नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के हमेशा पीठ थपथपाने वाले बाबा रामदेव अब कहीं ना कहीं कुछ सवाल आरबीआई के ऊपर खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करने से गुरेज भी नहीं कर रहे। योग गुरु बाबा रामदेव यूं तो कई बार नोटबंदी का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब लगता है इससे उनका मोह भंग हो रहा है। बाबा रामदेव ने नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो किस पर भरोसा करें। देश दुनिया की लगभग सभी मुद्दों पर खुलकर राय रखने वाले योग गुरु ने ये तक कह डाला कि आरबीआई बड़ा घोटाला कर नोटों की डबल सीरीज छाप रही है। उन्होंने कहा कि कई बैंक भी इसमें शामिल हैं। वो 20 से 30 करोड़ रुपए की कमीशन लेकर कई लोगों के 100-100 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस धांधली में आरबीआई भी शामिल है। बाबा रामदेव ने साथ ही कहा कि पहले आरटीआई से पता चला था कि कुल 13.5 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट थे। उनमें से ही करीब 5 लाख करोड़ रुपए पहले से बैंकों में थे। नोटबंदी के बाद अब तक करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं। तो फिर बैंकों के पास जो 5 लाख करोड़ थे वो क्या थे? आपको बता दें, जो सवाल बाबा रामदेव ने खड़े किए हैं वो काफी लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा कि 13 से 14 लाख रुपए बैंकों में नोटबंदी के बाद आ चुका है, 5 से 6 लाख बैंकों में था और कुल मिलाकर 16 लाख के आसपास आरबीआई ने कहा था कि 500 और 1000 के नोट हैं, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और चौंका भी रहा है। अब देखना होगा कि आरबीआई या सरकार इस पर बाबा रामदेव के बयान को गंभीरता से लेकर कुछ जांच करती है या फिर बाबा रामदेव के बयान को सिर्फ बयान ही माना जाता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं तुषार शर्मा, दिल्ली से JK 24/7 न्यूज के लिए। काले धन को खत्म किए जाने को लेकर नोटबंदी के फैसले में मौजूद लूपहोल्स को लेकर भी यदि आपने कोई फायदा उठा लिया और अपने खाते में पैसे आपने जमा कर दिए हैं तो भी आपकी खैर नहीं, क्योंकि सरकार की नजर तमाम छोटे बचत खातों पर है जिनमें अचानक से पैसे की आवक बहुत ज्यादा बढ़ गई और यदि आपके पास KYC नहीं है तो फिर आप पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। नोटबंदी के बाद बेकार हो गए 1000 और 500 के नोट में रखे गए काले धन को बैंक में जमा करवाने वालों पर आरबीआई ने शिकंजा कस दिया है। आरबीआई ने ऐसे बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है जिनमें 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है और नोटबंदी के ऐलान यानी कि 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा किए गए हैं। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से कैश निकासी या दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैन नंबर देना होगा। जिन बैंक ग्राहकों के पास पैन नंबर नहीं है उन्हें सिर्फ फॉर्म 60 देना होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि अगर किसी छोटे बचत खाते में अनुमति योग्य सालाना 1 लाख रुपए की जमा की सीमा भी दिखेगी तो हर महीने 10,000 रुपए की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। आरबीआई को जानकारी मिली थी कि बैंकों ने कुछ एक मामलों में KYC अपने ग्राहक को जानो प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं किया और उसी पर संज्ञान लेते हुए उसने ये सख्त कदम उठाया है। दरअसल रिजर्व बैंक की नज़र उन तमाम बचत खातों पर है जिनमें पहले पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब अचानक से 9 नवंबर के बाद से उनमें पैसों की बाढ़ आ गई है और इसलिए रिजर्व बैंक ने अब ये तय किया है कि ऐसे बचत खातों में जिनमें 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं उन खातों से फिलहाल पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे। साथ ही ऐसे छोटे बच्चों के खाते जिनमें 1 लाख रुपए तक जमा किए जा चुके हैं उनमें भी 10,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे, यानी कुल मिलाकर अब पैन कार्ड के बगैर आप पैसे निकाल पाएंगे और साथ ही आपको बैंकों में मौजूद KYC यानी कि नो योर कस्टमर फॉर्म जब तक आपने नहीं सबमिट किया है तो भी आप पैसे निकाल पाएंगे। हाँ, एक तरीका ज़रूर यहाँ पर रिजर्व बैंक ने सुझाया कि आपको फॉर्म 60 भरने के बाद ही वो पैसे मिल पाएंगे जो आप अपने खाते से निकालना चाहते हैं। कैमरामैन विकास के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए पंकज पांडे, दिल्ली। बॉलीवुड अब एक बिजनेस सिनेमा बनते जा रहा है जिसके लिए हर एक कलाकार अपनी फिल्मों की अच्छी कमाई के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है। अभी हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान ने एक अमेरिकी कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत अब शाहरुख खान की फिल्में अगले 3 साल तक उस साइट पर ऑनलाइन देखी जा सकेंगी। बॉलीवुड में मार्केटिंग के एक्सपर्ट माने जाने वाले शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों को लेकर अमेरिका की एक नामी कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ एक बड़ा करार किया है जिसके तहत आने वाले 3 साल में शाहरुख खान की फिल्में कंपनी के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकेंगी। शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म रईस की रिलीज से पहले ये बड़ा करार किया है। नेटफ्लिक्स और किंग खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ हुए इस बड़े करार के तहत शाहरुख खान की कई सारी फिल्मों को एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स के जरिए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस करार की शुरुआत पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म डियर जिंदगी से होगी जिसके प्रोड्यूसरों में शाहरुख खान भी एक थे।
करार के तहत शाहरुख खान की अगली 3 साल तक की फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें रईस, इम्तियाज अली और आनंद एल राय की फिल्में भी शामिल होंगी। आपको बता दें, ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी शुरुआत भारत में पिछले वर्ष 2015 में हुई थी। मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अखिलेश सरकार लोगों को आकर्षित करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा और पुलिस में नौकरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को एक बड़ा मौका देने जा रही है। राज्य सरकार 16,460 शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 12,460 सामान्य जबकि 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही परिदर्शीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के 4,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। वहीं 16,460 प्राथमिक शिक्षकों के अलावा 2,500 पुलिस जवानों की भी भर्ती होगी। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने यूपी में सरकारी नौकरियों का लोगों को मौका दिया है। अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि वे कितनी जल्द ये ऐलान कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विजय ठाकुर के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 61 उम्मीदवारों की पहली सूची में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी शामिल है, जो खुद पंजाब की पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 61 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को जारी की, जिसमें पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह, राजेंद्र कौल भटकल, विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने 31 मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा है, जबकि परनीत कौर समेत केवल 3 को सूची में शामिल नहीं किया गया है। परनीत कौर ने पटियाला शहरी विधानसभा सीट से अपने पति अमरिंदर सिंह के लिए रास्ता साफ किया। कांग्रेस ने मजबूत विश्वसनीयता एवं जीतने की उम्मीद के आधार पर 7 नए चेहरों को शामिल किया है। सूची में 5 युवा नेता, 6 महिलाएं, 8 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय निर्वाचन समिति ने पूर्व में इन नामों को हरी झंडी दी थी। अमरिंदर ने कहा कि बहुत अधिक प्रत्याशी होने के कारण जो लोग विधानसभा चुनाव की अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाए हैं, उन्हें पार्टी की सरकार बनते ही उसमें शामिल किया जाएगा। इससे पहले अक्सर ही कांग्रेस पार्टी चुनावों के एन वक्त अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है, जिससे चुनाव में उसे हार का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार पंजाब चुनावों में एक बड़ी टक्कर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि साल 2017 के शुरू में ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार प्रत्याशियों की सूची जारी करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती। और देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की इस पहल का इन चुनाव में उसे क्या फ़ायदा मिल पाता है। नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।